हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशमा बुटीक में। तो दोस्तों, आज हम पैंट ट्राउज़र कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा दिया है। जो सीधा कपड़ा है वो अंदर की साइड में है, जो उल्टा है वो बाहर की साइड में है। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको नाप। तो दोस्तों, यहाँ पर लंबाई है वो है 37 इंच, कमर है 40 इंच, हिप है 43 इंच, थाई है 27 इंच और मोरी यानी बॉटम है 15 इंच। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक निशान लगाएंगे कपड़े को सीधा करने के लिए, और ऊपर यहाँ पर लगा रहे हैं हम जो नेफा फोल्ड होगा। ठीक है, ये बेल्ट वाला नहीं है, ये नेफे वाला है। इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं। एक निशान लगाएंगे हम 2 इंच का, ठीक है, नेफा फोल्ड होने के लिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे लंबाई, ठीक है। तो लंबाई इसकी है 37 इंच, तो हम यहाँ 37 पे निशान लगाएंगे, 2.5 इंच और लगाएंगे जो मोरी में फोल्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें लटक की यानी आसन की, तो दोस्तों वो रखेंगे हिप के हिसाब से। तो हमारे यहाँ पर जो हिप है वो है 43 इंच, तो 43 का 4 भाग होता है 11.5 इंच, ठीक है। उसके बाद हम 3 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा और रखेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ से आसन कितना आता है। तो दोस्तों, आसन आ गया हमारा 14.25 इंच, बिल्कुल सही है। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब हम एक निशान लगा लेंगे लंबाई वाला। अब हम यहां पर लगाएंगे पॉकेट के निशान। तो दोस्तों, हमें इस वाले नेफे वाले निशान से यहां पर हमें लगाना है 2.5 इंच पे, ठीक है, क्योंकि 1.5 इंच का तो नेफा आ जाएगा, उसके बाद में हमारा यहां पर बचेगा। और उसके बाद हम यहां पर 6 इंच का रखेंगे पॉकेट का मुंह। उसके बाद दोस्तों, अब हम रखेंगे थाई। थाई कैसे रखना है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पहले हिप नापेंगे, हिप के हिसाब से थाई रखेंगे। वो तो मैंने हिप थाई नाप ली थी, मगर हम रखेंगे हिप के हिसाब से। तो दोस्तों, हिप जो है वो है 43 इंच, हिप 43 इंच है। तो हम 43 का 4 भाग कर लेंगे दोस्तों, होता है 11 चौक 44, तो 11.25। यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, उसके बाद लगाएंगे 2.5 इंच पे, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे 1.5 इंच को बैक होगा पीछे को, क्योंकि ये हमारा रुमाली वाला नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से लगाएंगे, एक निशान इस तरीके से, और दूसरा जो है वो हमारा आया है यहाँ पर 27 इंच पे, यानी कि 13.5 इंच का, 27 का हाफ होता है 13.5 इंच, ठीक है। तो ये 27 पे हमारा आया है ना हिप का 4 भाग। उसके बाद में यहाँ पर भी हम 13.5 लगा लेंगे, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ लगा लेंगे, और इसको दे देंगे गोलाई। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी हिप है, वो जो हमारी यहाँ पर थाई थी, हमने यहाँ पर लिखी है, देखिए थाई 27 इंच। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो दोस्तों देखिए 13.5 है, यानी हमने थाई नहीं नापी, उसके बाद भी हमने हिप के हिसाब से रखा, तो थाई हमारी बिल्कुल सही आ रही है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लगाएंगे एक निशान, और जो हमारी थाई है उसका हमें हाफ कर लेना है। थाई है 27, तो हम इसका कर लेना है 13.5। तो 13.5 का हम 13.5 पर निशान लगा लेंगे, 13.5 का हाफ कर लेंगे, तो ये हो गया 7.5, ठीक है। 7.5 करने के बाद में हमारी जो बॉटम है वो है 15 इंच, तो हम इस वाले निशान से 15 रखेंगे। तो हमें यहाँ पर रखना है 4.25, क्रीज वाले निशान से 4.25, और यहाँ रखना है 7.5। अब दोस्तों, यहाँ पर भी हम बीच का सेंटर लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पर भी आता है 7.5। अब हम इसको इस तरीके से इंच टेप रखेंगे और क्रीज वाला एक निशान लगा देंगे, जैसे हम पैंट में लगाते हैं, और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम लेंगे ये स्केल, ठीक है, शेप फंटी है हमारी ये, और इसको इस तरीके से लगा लेंगे इस प्रकार। यहां पर करेंगे हल्का सा क्रास, उसके बाद में ये लेंगे फंटी और इसको भी यहां से लगा देंगे। दोस्तों, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। आप कभी भी ये स्केल खरीदना चाहें तो आप मार्केट से कम राउंड वाली स्केल खरीद सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, हमारा बिल्कुल ये सामना हो गया रेडी कटिंग होने के लिए। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे।
यहाँ लगा लेंगे कट, जो बॉटम फोल्ड करेंगे, ठीक है, यहाँ कट लगा लेना है आपको, और यहाँ पर हमारी पॉकेट बनेगी, तो यहाँ पर भी अपना सामना कटिंग कर लिया है, इसको हटा देते हैं एक तरफ और हम यहाँ पर अपनी बैक कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने कपड़े को यहाँ बिछा लेंगे बढ़िया करके, सीधा एकदम करके, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर अपने सामने को रख देंगे। बिल्कुल सीधा करके बिछाना है, चीज का ध्यान रखें, ऐसा ना हो ना ऐसा हो, ठीक है, बिल्कुल सीधा करके बिछाना है। तो यहाँ पर हमने इसको बिछा लिया है, बिछाने के बाद में अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक लगाएंगे निशान नीचे, ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर निशान लगाने के संग संग हमें यहाँ पर 1/4 इंच लगा देना है। उसके बाद में एक लगाएंगे हम यहाँ पर निशान, एक हमने यहाँ पर निशान लगाया, उसके बाद में हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच, और उसके बाद रखेंगे 1.5 इंच। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सीधा निशान लगाना है, ये वाला जो हमने लगाया 1.5 इंच पीछे को, इसको हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर देना होगी गोलाई, ठीक है, गोलाई दे दी। अब हमें यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, हमें अपने सामने से बैग को उठाना हमेशा जरूरी होता है, चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब कभी देखा होगा आपने कोई बैठता है तो पीछे से जो नीचे को सरकता है चीज ना, वो यूं सरकती है कि कुछ लोग बराबर कटिंग कर देते हैं। तो अब मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि हमारा सामना है यहां तक, ठीक है, ये वाला सामना यहां तक है, तो हमें यहां पर इसको कम से कम 1/4 इंच उठाना है। ये साइज के हिसाब से होता है, जैसे जैसे साइज हैवी होता जाता है वैसी वैसी इसको उठाते चले जाते हैं। तो हमने यहाँ 1/4 इंच उठा दिया, अगर ज्यादा और हैवी होता तो इसको हम 1.5 इंच भी कर देते। उसके बाद में यहाँ पर एक लेंगे स्केल अपनी, रखेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे, यहाँ करेंगे हल्का सा क्रास। दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान हो चुके हैं रेडी, अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ट्राउजर कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं, और यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यार इतने ढेर सब्सक्राइबर होने के बाद भी आप लोग पता नहीं वीडियो देखते नहीं हो, जाने क्या ये आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाले निशान पर जरूर क्लिक करा करें, जिससे हम कभी भी वीडियो कोई अपलोड करें तो आपको मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पैटर्न चाहिए हमसे, तो आप पैटर्न हमसे मंगवा सकते हैं। ये है हमारा कटोरी कट ब्लाउज की किट। तो दोस्तों ये एक ब्लाउज की किट है, जिसमें यहाँ पर एक कटोरी मिलती है, बेल्ट मिलता है, स्लीव्स मिलती है, ये बेल्ट है, और ये क्रॉस पट्टी है, और बैग है, यानी कि जो भी पार्ट्स होते हैं एक ब्लाउज के अंदर वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप हमसे यहाँ पर कटोरी कट ब्लाउज या प्रिंसेस कट या बेल्ट ब्लाउज, कोई भी डिजाइन आप हमसे मंगवा सकते हैं, कोई भी साइज आप हमसे मंगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा नाप लिखा मिलेगा, जो भी मेजरमेंट है पूरा मिलेगा यहाँ पर। इसमें सारा मार्जिन ऐड किया हुआ है पहले से ही, आपको कोई भी मार्जिन इसमें नहीं छोड़ना है। जैसे कि चेस्ट है 36 इंच, ठीक है, यहाँ पर पूरा नाप है, लंबाई, चेस्ट, स्लीव, शोल्डर, जो भी है सब कुछ लिखा मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको हमारा मोबाइल नंबर भी मिलेगा, और यहाँ पर साइज नंबर भी मिलेगा, ठीक है, जो जो साइज है 28-40। तो आप हमसे हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। यकीन मानिए इतनी बेहतरीन इसकी फिटिंग है, जिन लोगों ने हमसे यहाँ पर एक बार ऑर्डर किया है उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को या सहेलियों को या जो भी उनके स्टाफ के हैं रिश्तेदार हैं उनको हमसे दोबारा ऑर्डर जरूर मंगवाया है कि आपकी फिटिंग बहुत अच्छी है, लोगों ने हमसे कॉल करके किया है। एक बार आप मंगा के देखिए, और यहाँ पर एक बार अपना ब्लाउज सिल के देखिए और देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मंगाना है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, और आपको केवल इस पे कपड़े पर रखना है और कटिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कि बेल्ट ब्लाउज है, यहाँ पर ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, यहाँ पर एक कटोरी कट ब्लाउज है, इसी तरह हमारे मद्रास कट और तुम्हारा फोर टक सादा ब्लाउज, सारे आपको यहाँ डिजाइन मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगर आपको मंगाना है जल्दी से अपने ऑर्डर को बुक कीजिए और फटाफट से मंगवाइए। हमारे पास दो पैकेट हैं, जिसमें 3 पीस दिए हुए हैं,
₹600 के, जैसे कि तीन पीस हैं, ठीक है, ये ₹600 के हैं। अब इसी तरह के आपको अगर 6 पीस मंगाना है वो ₹1000 के हैं। अगर आप पहले पेमेंट करते हैं तो 600 वाला 500 का मिलेगा और 1000 वाला 900 का मिलेगा। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी मंगाना चाहते हैं, पेमेंट बाद को देना चाहते हैं ये प्रोडक्ट लेने के बाद, तो उसको आपको 1000 देना पड़ेंगे और 600 वाले के 600 देना पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।